बिहार में मौसम ने करवट ले ली है। नालंदा जिले में देर रात से ही बूंदाबांदी की वजह से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं बढ़ती हुई ठंड और बारिश ने लोगों को घर के अंदर दुबके रहने को मजबूर कर दिया। लगातार 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश से ठंड काफी बढ़ गई है, जिस वजह से सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आए चक्रवाती तूफान का असर है। जानकारी के अनुसार चक्रवाती तूफान फेतही के कारण पटना समेत पूरे बिहार में ठंड बढ़ गया है। वहीं ठंड बढ़ने के बावजूद जिले में स्कूलों को भी बंद नहीं किया गया है, जिस वजह से बच्चे और बच्चियां स्कूल जाने को मजबूर हैं। हालांकि स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम देखी गई। ये झारखंड और नालंदा जिला, झारखंड में जो बारिश वगैरह जो हुई है अदर कास्ट में, वही का मैंने असर नालंदा जिला पर भी हो रही है। काफी ठंड बढ़ चुकी है। कब से बारिश हो रही है? बारिश कल से ही, मैंने 24 घंटा से बारिश हो रही है और उसका असर तो नालंदा जिला पर दिखा। ठंड बढ़ने से क्या परेशानी हो रहा है? ठंड बढ़ने से बच्चे लोग स्कूल नहीं गए हैं, पानी में रोड का टिकट वगैरह हो गया। कल से बहुत परेशानी हो रहा है। एक तो आप नवंबर दिसंबर का ठंडा ऐसे भी बढ़ा रहता है और ऊपर से भगवान पानी बरसा रहे हैं, ये इतने ठंडे लग रहे हैं कि हमको हालत खराब हो रहा है। एक तो मैं रोगी भी हूँ, प्लस जो है इतना ठंडा लग रहा है, पूरा हवा चल रहा है। जैसे अदर स्टेट में पानी उनी पड़ा है, उसका नालंदा जिला पर काफ़ी असर पड़ा है। देखिए आप जो है बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, प्लस जो है रोड भींगे हुए हैं एकदम पूरे, जो है बहुत ठंड लग रहा है। सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, ना कंबल है ना लकड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम सोचते हैं कोई कंबल दे देगा तो ओढ़ लेंगे। वहीं बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव होने से लोगों को चलने में भी परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। इस बारिश से खरीफ फसल को काफी फायदा होने के अनुमान लगाए जा रहे। नालंदा से राजकुमार मिश्रा की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।